नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे टीटीई रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। जी हां दोस्तों, रेलवे की तरफ से ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर के पदों पर निकाली गई लेटेस्ट वैकेंसीज की अपडेट के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो वीडियो को लाइक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यहां पर आपकी एज लिमिट क्या रखी जाएगी, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा जाएगा, कब से कब तक आप इस भर्ती के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, एंड आपको यहां पर मंथ पे स्किल कितना प्रोवाइड किया जाएगा, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो वीडियो को लाइक से जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को जरूर दबा लें, ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं रेलवे की नई भर्ती की अपडेट के बारे में, रेलवे रिक्रूटमेंट की तरफ से रेलवे टीटीई की वैकेंसीज की अपडेट के बारे में। तो देखिए, आपका जो नेम ऑफ रिक्रूटमेंट ऑथराइज रहेगा, ये रेलवे रिक्रूटमेंट कंट्रोल बोर्ड आरआरसीबी की तरफ से आपकी इन वैकेंसीज को ऑर्गेनाइज करवाई जाएगा। अगर हम बात करें यहां पर दोस्तों पोस्ट नेम के बारे में, तो देखिए आपका जो पोस्ट नेम रहेगा, ये ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर के पदों पर वैकेंसीज रखी गई है, एंड टोटल पोस्ट जो यहां पर रखी गई है वो 7,784 पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगी। सो काफी अच्छी खासी वैकेंसीज आपको यहां पर देखने को मिल रही है, एंड जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया रहेगी। ऑल ओवर इंडिया में आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पर ये जो है जॉब प्रोवाइड की जा सकती है। एप्लीकेशन मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लें, तो जो भी कैंडिडेट अपना 10th पास या 12th पास कर चुका है वो कैंडिडेट यहां पर आवेदन कर सकते हैं। 10वीं 12वीं पास कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट आपकी indianrailways.gov.in रहेगी, जिस पर जाकर के आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज के बारे में टीटीई की वैकेंसीज के लिए। तो देखिए, आपकी जो यहां पर मिनिमम एज रखी गई है वो मिनिमम एज आपकी 18 साल रखी गई है, एंड मैक्सिमम 35 साल तक के कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। मतलब कि दोस्तों 18 से 35 साल तक के कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। साथ ही में दोस्तों, गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार जो भी एज रिलेक्शन यहां पर प्रोवाइड किए जाते हैं वो सारे के सारे एज रिलेक्शन आपको यहां पर मिलने वाले, जैसे कि एससी एसटी कैटेगरी को 5 साल का एंड ओबीसी कैटेगरी को 3 साल का गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार एज में छूट प्रोवाइड किया जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लें, तो देखिए दोस्तों, जो भी कैंडिडेट अपना 10th पास कर चुका है या फिर 12th पास कर चुका है वो कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। पोस्ट वाइज आपको यहां पर क्वालिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें, तो अगर आप जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको यहां पर ₹500 एप्लीकेशन फीस जमा करवानी होगी, एंड अगर आप एससी एसटी और पीएच कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको ₹250 एप्लीकेशन फीस जमा करवानी होगी। साथ ही में ऑल कैटेगरीज की वुमेन कैंडिडेट, मतलब की फीमेल कैंडिडेट को यहां पर ₹250 एप्लीकेशन फीस जमा करवानी होगी। एंड इसी के साथ में आप अपनी एप्लीकेशन फीस को ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, कैश कार्ड और वॉलेट का इस्तेमाल करके जमा करवा सकते हैं। एंड इसी के साथ में दोस्तों, सैलरी के बारे में बात कर लें कि आपको यहां पर जो सैलरी मिलने वाली है वो कितने रुपए दी जाएगी। जो आपका बेसिक पे स्केल बनने वाला है वो आपका 5,200 से 20,200 रुपए बनेगा, साथ ही में ₹1,900 आपको यहां पर ग्रेड पे प्रोवाइड किया जाएगा। एंड रेलवे टीटी की जो बेसिक सैलरी बनती है वो ₹15,000 बनती है, एंड आफ्टर ज्वाइनिंग दोस्तों आपको जो अलाउंस वगैरह सारा का सारा मिलाकर के ₹36,000 पर मंथ यहां पर सैलरी मिलने वाली है, जो कि काफी अच्छी खासी सैलरी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को जितने भी अलाउंस प्रोवाइड किए जाते हैं वो सारे के सारे अलाउंस आपको यहां पर भी देखने को मिल जाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लें, तो सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा, जो कि आपका सीबीटी रहेगा। इसके बाद में आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट रहेगा, देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा। सो ये आपके कुछ स्टेप रहेंगे जिनके आधार पर आपको फाइनल सिलेक्शन यहां पर मिलने वाला है। एंड इसी के साथ में दोस्तों, अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में, तो देखिए मोड ऑफ एग्जाम आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, मतलब कि सीबीटी के माध्यम से आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर का आपका पेपर यहां पर रहने वाला है, एंड मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछे जाएंगे। 90 मिनट का आपको यहां पर टाइम प्रोवाइड किया जाएगा पेपर सॉल्व करने के लिए, एंड 1/3 आपकी यहां पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी प्रत्येक गलत आंसर देने पर। एंड इसी के साथ में कौन कौन से सब्जेक्ट को यहां पर कवर किया जाएगा, तो देखिए जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी से संबंधित क्वेश्चंस आपको आपके पेपर में देखने को मिल जाएंगे। सिलेबस आप यहां से इजीली चेक कर सकते हैं कि आपका क्या क्या सिलेबस रहेगा, तो सिलेबस का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों रेलवे टीटी भर्ती 2023 के लिए अप्लाई ऑनलाइन के प्रोसेस के बारे में, कि किस तरीके से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपको कुछ स्टेप प्रोवाइड किए गए हैं, आप इन स्टेप्स को फॉलो करके इजीली अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म घर बैठ करके अपने मोबाइल के माध्यम से सबमिट कर सकते हैं। सो अगर आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट वीडियो के लिए मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके लिए जल्दी से एक नई वीडियो लेकर के आ जाऊंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म घर बैठ करके अपने मोबाइल के माध्यम से सबमिट कर सकते हैं। सो उसके लिए सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, घंटी के बटन को जरूर दबा लेना है,
करना है ताकि जब भी मैं आपके लिए वो वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अप्लाई ऑनलाइन का लिंक एंड ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत ही जल्दी आपकी वैकेंसी जो है रिलीज की जानी है एंड बहुत जल्दी आपसे इनके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी ले लिए जाएंगे। बात करते हैं दोस्तों रेलवे टीटी की एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो देखिए आपका जो एग्जाम पैटर्न रहेगा वो कुछ इस टाइप का रहेगा। यहाँ पर आपकी अगर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क के बारे में बात कर लें तो अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको 40% नंबर लाने होंगे एंड अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो भी आपको कम से कम 40% नंबर यहाँ पर लाने होंगे पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। एंड इसी के साथ में अगर आप ओबीसी नॉन क्रिमिनल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं या फिर एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं या फिर एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको कम से कम 30% नंबर यहाँ पर लाने होंगे पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। बात करते हैं दोस्तों एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो देखिए जनरल अवेयरनेस से संबंधित 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 40 नंबर के, गणित से मतलब कि मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन 30 नंबर के पूछे जाएंगे, साथ ही में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से भी आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 नंबर के। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा, 90 मिनट मतलब कि 1.5 घंटे का टाइम आपको यहां पर प्रोवाइड किया जाएगा क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। सो काफी अच्छी खासी वैकेंसीज हैं दोस्तों, बहुत जल्दी इनके लिए आपसे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ले लिए जाएंगे। उम्मीद लगाई जा रही है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में या फिर मार्च के लास्ट वीक में आपको आपसे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इनके लिए ले लिए जाएंगे। सो अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आप इसका इंतजार कर सकते हैं, काफी अच्छी खासी वैकेंसीज निकाली जाएंगी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से। सो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस भर्ती से संबंधित सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिल गई होगी। सो वीडियो कैसी लगी है नीचे कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना एंड अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को जरूर दबा लें ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद दोस्तों।